तू कोई मिनिस्टर है क्या? हाँ, जो हम तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दें? तो जैसे हैवानों की लिस्ट होती है हमारे पास, जिनकी शपथ विधि होने से पहले अंतिम विधि हो जाती है। Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friends, मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का मेगा स्टार सलमान खान एंड आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के ऑफिशियल ट्रेलर के प्रॉपर ब्रेकडाउन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? How's Josh? Fabulous. Seriously speaking, this trailer has surpassed everybody. चलिए गाइस, without wasting much time, आज का एपिसोड शुरू करते हैं with the breakdown of all the scenes. Well, friends, trailer की शुरुआत ये डायलॉग जो मैंने कहा स्टार्टिंग में उससे होती है। सलमान खान एंट्री इज फैबुलस। Well, friends, जो इंट्रो एक्शन सीक्वेंस है, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेज इस फिल्म में। द मेन एक्शन डायरेक्टर ऑफ अंतिम द फाइनल ट्रूथ इज ऑब्वियसली विक्रम धैया। इन्होंने सारे के सारे एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो कोरियोग्राफ किए हैं, लेकिन जो इंट्रो एक्शन है वो अनिल अरासू ने किया गया है, साउथ के फेमस एक्शन डायरेक्टर है। सलमान खान एंट्री इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। नस्सी का अवतार स्टेयर करते हुए आते हैं। आयुष शर्मा इज गिविंग मी टोटल रघु वाइब्स। यस फ्रेंड्स, संजय दत्त जिस तरह से वो टी शर्ट एक सदा सा पजामा पहन के, छोटा कद और पेट बड़ा है, वास्तव में जिस तरह से वो रहते थे चाली में, वहां पे इस तरह से यहाँ पर मुझे आयुष भी दिखाई दे रहा है। एकदम सीधा साधा, एकदम हल्का सा लड़का, काफी रॉ यहाँ पर मांजरेकर उनको प्रेजेंट किया है। सचिन खेड़ेकर एज द फादर ऑफ आयुष, दिस मैन इज सुपर्ब। आई मीन ही जस्ट मेड हिज वे इन टू मराठी सिनेमा। इतने वेटरन एक्टर है, हमने एक बचपन से लेकर अब तक कितनी सारी मराठी फिल्में इनकी देखी है यहाँ पर। एंड गाइज, यहाँ पर देख सकते हो आई थिंक आयुष की मॉम बनी है, यानी कि राहुलिया की मॉम बनी है इस फिल्म में। सबसे काम फैंटास्टिक तरीके से किया है। ये महेश मांजरेकर का जॉनर है, इससे पहले भी वास्तव, लालबाग परड़, बहुत सारी फिल्में उन्होंने इस जॉनर में, गैंगस्टर जॉनर में बनाई है। आयुष शर्मा स्वैग, वो यहाँ पे चप्पल, उसके पीछे राहुल हल्दीकर है, रोहित हल्दीकर विल मार्क हिज डेब्यू इनटू हिंदी सिनेमा। क्लास एक्टर है, कड़क है, फिल्म में इंतजार कीजिएगा उनका। एंड राहुलिया पुलिस स्टेशन में मास्क पैर ऊपर रख के आराम से बैठा हुआ है। एंड सलमान खान जो स्टार्टिंग में डायलॉग बोलता है, उसके जवाब में वो कहता है, ये 2% के गुंडे की वजह से तुम्हारे जैसे बहुत पुलिस वालों के घर चलते हैं, हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हो तुम लोग। फैबुलस डायलॉग डिलीवरी ऑफ राहुलिया इज टेकिंग दैट मराठी एक्सेंट, एंड मराठी एक्सेंट खूब चांगला वाटते है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सलमान खान हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके सामने के, देखते हैं कि तेरी बात सच निकलती है, मेरी सच निकलती है। बहुत ही स्वैगी, बहुत ही मासी सीन है। सलमान खान से कॉलर पकड़े कहता है, एक दिन मैं तुझे पक्का ठोक दूंगा। एंड दैट ग्रिन राहुलिया, आयुष हैज गॉट इनटू द कैरेक्टर। राहुलिया का जो ग्रिन है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत ही फैबुलस है। ये पूरा आई थिंक कोई भाजी मार्केट है, आई डोंट नो, आप कमेंट्स में बताइए कहाँ का है ये। आई थिंक पुणे का लग रहा है। एंड यहाँ पर भाई रवि बसूर को बुलाया गया था अभी यहाँ पर ट्रेलर लॉन्च पे। रवि बसूर, रितेश मोदक, सबको यहाँ पर बुलाया गया था ट्रेलर लॉन्च के लिए। बट जो मेन ट्रेलर लॉन्च था वो PVR जियो गार्डन में हुआ था, यानी कि जो BKC में वहां पर हुआ था। अब गेटी में भी एक फैन इवेंट रखा था। अब मैं जब तक रिव्यू कर रहा हूँ वहां तक सलमान खान अब तक नहीं पहुंचे हैं गैलेक्सी में, लेकिन जो मेन लॉन्च था यहाँ पे मीडिया वालों को बुलाया था वो PVR जियो गार्डन्स में था गाइज वहां पर। एंड वहां पर रवि बसूर स्ट्रेट अवे फ्रॉम कर्नाटका आए थे, तो ह्यूज मोमेंट। उनका BGM बहुत फैंटास्टिक लग रहा था। लुक एट दिस सीन, सिगरेट को धुएं में उड़ाते हुए यहाँ पर, फैंटास्टिक। आयुष शर्मा इज लुकिंग मेनेसिंग, काफी कड़क। महिमा मकवाना मेक्स अ मार्क, कहती है कि चाय पहले बोलना तो सीख, स्पेशल चाय। यहाँ पे राहुलिया एकदम फैंटास्टिक लग रहा है। मैंने टी शर्ट देख के लग गया मुझे कि कोई तो यहाँ पर, जो जन्माष्टमी रहती है हमारे वहाँ गोविंदा बोलते हैं इनको, तो मुंबई में तो गोविंदा में बहुत सारे लोग टी शर्ट बनाते हैं अपने अपने ग्रुप्स की, ये गोविंदा ग्रुप हूँ, वो गोविंदा का ग्रुप हूँ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर नंदलाला गोविंदा पुणे, तो यहाँ के उन्होंने टी शर्ट बनाया हुआ यहाँ पर। एंड यहाँ पर रोहित हल्दीकर भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो कटिंग चाय यहाँ पर 1 रुपया, स्पेशल चाय 3 रुपया, खारी 2 रुपया, क्रीम रोल 5 रुपया। तो अभी कौन से जमाने में 1 रुपये की चाय मिलती थी पता नहीं। तो फिल्म का टाइमलाइन जो है ये पता चलेगा जब हम फिल्म देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कब की फिल्म है ये।
कि अभी तो फिलहाल 1 रुपए की चाय मिलना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर। देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो भाजी मार्केट है पूरा का पूरा लगाया गया है। आयुष एंड महिमा के बीच में बहुत सारे रोमांटिक सीन्स एंड सॉन्ग्स भी होने वाले हैं। अब प्रज्ञा जायसवाल का तो रोमांटिक एंगल ट्रेलर में से पूरा निकाल ही दिया है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देख सकते हो महेश मांजरेकर खाली झोपला है भाजी मंडी में, नीचे सोते हुए दिखाई दे रहे हैं मांजरेकर, अरे उसका दादू बना है ये पिक्चर में। सचिन खेड़ेगा यहाँ पे आयुष शर्मा को कहते हुए दिखाई भी दे रहे हैं कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे, और जब वो बोलता है मैं आधी नहीं मैं पूरी रोटी खाऊंगा, नहीं मैं आधी रोटी नहीं खाऊंगा मैं पूरी थाली खाऊंगा स्वीट डिश के साथ। तो डिश जिस तरह से आयुष प्रोनाउंस करता है ना, जस्ट गो एंड सी इट, इट इज एब्सोल्युटली कड़क। सयाजी शिंदे एज अ पुलिस इंस्पेक्टर सलमान खान को पूछते हैं आपने महाभारत पढ़ी थी, वो कहते हैं पढ़ी नहीं लेकिन टीवी पर देखी है, उसका हीरो कौन था, महाभारत के हीरो कौन थे, तो कहते हैं अर्जुन। हाँ लेकिन दिमाग कृष्ण भगवान का, हम दिमाग से खेलेंगे। आयुष शर्मा रनिंग टू द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे, फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस, देख सकते हो गाइस यहाँ पे संभाजी महाराज स्मारक के पीछे यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर आयुष दिखाई दे रहे हैं। ये सीन बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है। करण रावत जो डीओपी है यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इस फिल्म के, उन्होंने बहुत फैंटास्टिक फ्रेम एंड शेड्स लिए हैं यहाँ पर। पूरे की पूरी फिल्म जो है वो इतनी पॉलिश लग रही है फैंटास्टिक तरीके से। एंड यीशु सेन गुप्ता भी है यहाँ पर, काफी मशहूर बंगाली एक्टर है, यहाँ पे गैंगस्टर बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वो यहाँ पर थंगबली यानी कि निकेतन धीर के टीम में गैंगस्टर बने हुए हैं। एंड ये सीन जहाँ पर आयुष किसान के छाती में गोली दागता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी जमीन हड़पने के लिए, एंड तब जो डायलॉग्स आते हैं फैंटास्टिक डायलॉग्स आते हैं, वो कहता है कि अंगूठा ले उसका, मरे हुए का अंगूठा भी अंगूठा होता है, फैंटास्टिक। सलमान खान ड्राइविंग द बाइक लुकिंग फैबुलस, ये सीन देखो। आयुष शर्मा मेनेसिंग एकदम खतरनाक, वाहियात बोलते ना गैंगस्टर जिस तरह से वाहियात रहता है एकदम पूरा, यू नो हैवानियत दरिंदगी उसके मुंह पर, ही हैज स्लिप्ड इनटू द कैरेक्टर फैबुलसली। आयुष शर्मा यहाँ पे अंगूठा लेते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक है, लेकिन करा तो पाजी ही रहे हैं। सलमान खान बोलता है इनको लग रहा है कि कोई और करा रहा है लेकिन ये सारी चीजें मैं ही करा रहा हूँ। आयुष होते हुए दिखाई दे रहा है, चिता जल रही है, अब कौन मरा है ये तो फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इमोशनल सीन्स में वो। एंड यहाँ पर सलमान खान का डायलॉग फैंटास्टिक, मेरी भी पैदाइश महाराष्ट्र की है लेकिन मैं तेरे तरह गुंडा नहीं बना, मैं बना गुंडे द बाप पुलिस वाला। फैब मैन, फैब डायलॉग्स रिटन बाय महेश मांजरेकर एंड कंपनी। एंड यहाँ पर कड़ा लेकर पूरा फाड़ करके कांच की बॉर्डर फोड़ते हैं, फैंटास्टिक। ये आई थिंक सलमान भाई का इंट्रो होगा, यहाँ पे देख सकते हो कोई गैराज टाइप में सलमान खान यहाँ पे फाइट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ब्यूटीफुल द क्लोजअप शॉट्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आयुष शर्मा जेल में, हर गैंगस्टर की कहानी दो किस्म की होती है, एक तो प्री गैंगस्टर, उसके बाद जेल में वो क्या करता है, एंड फिर जब वो गैंगस्टर बनता है तो क्या करता है। जेल के सीन्स भी काफी अच्छे रहेंगे। राहुल या फिर से यहाँ पर हंसते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एंड ये डायलॉग फैंटास्टिक है, इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के। वो कहता है ना स्टार्टिंग में, कहता है साहब अपन अलग है अपन टिकेगा, सलमान भाई बोलते हैं दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के। आयुष कहता है तो आज से अपने को प्लास्टिक समझने का, जेल का यू नो पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस है फैंटास्टिक है। ये सीन काफी अच्छा है यहाँ पर, आज का रॉबिन हुड कल का एमएलए, आयुष शर्मा का पोस्टर लगाया है वहां पे, सलमान खान देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कल का एमएलए बनेगा। फिर भाई के बर्थडे में फाइट सीक्वेंस, इसको हमने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था विघ्नहर्ता सॉन्ग के ब्रेकडाउन में, फाइट सीक्वेंस होने वाला है, सलमान भाई गोना बीट आयुष शर्मा टू पल्प, बहुत ही फैंटास्टिक सीक्वेंस यहाँ पर होने वाला है। हे जरा प्रेमाने ठेवा मी याची प्रेमाने ठास, तो फैंटास्टिक, बहुत बहुत जबरदस्त, पूरा महाराष्ट्र फीलिंग आ गई है इसके अंदर, पूरा मुंबई डायलॉग मारा है यहाँ पे। पीछे राजू धाक दादा भी है सलमान खान के, रोहित हल्दीकर, सयाजी शिंदे, सारे के सारे डांसर्स भी खड़े हैं। सलमान खान बॉडी लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड रॉ। यहाँ पर भाई का बर्थडे है, आयुष शर्मा सर पे सायरन लगा के डांस कर रहे हैं, भाई का बर्थडे, बहुत ही फैंटास्टिक गाना है। आई थिंक नेक्स्ट सॉन्ग जो आएगा अंतिम से वो भाई का बर्थडे होगा। फिर एक यहाँ पर मुजरा भी करते हुए दिखाई दे रही है वलूषा रॉबिन्सन, एंड यहाँ पर पीछे वलूषा डिसूजा, एंड यहाँ पर पीछे आयुष भी यहाँ पर मुजरा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये गाना भी काफी फैंटास्टिक लग रहा है। आयुष एंड महिमा मकवाना के बीच में भी एक रोमांटिक ट्रैक है, हाथ फैलाते हुए चिल्लाता है बाबा, एंड यहाँ पर धूल मिट्टी जो है एक मरा हुआ आदमी है, कौन है पता तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है। मांजरेकर उसका दादा बना है,
आयुष शर्मा का इस पिक्चर में, वो भी इसको बहुत सारी चीजें उसमें समझाते हुए दिखाई दे रहा है. लुक एट द दरिंदगी ऑन द फेस ऑफ आयुष शर्मा, एकदम मेनेसिंग पिक्चर. रोहित हल्दीकर हार्ट टूटा है लेकिन फिर भी दोनों यहाँ पे खुन्नस देते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे रेलवे पटरी के पास कैरम खेलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, उनको भी फोड़म फाड़ी चल रही है. लुक एट द मेनेसिंग फेस मैन, स्कार्स ऑन द फेस, रिवेंज एंड एंग्स इन द आईज. आयुष शर्मा लुकिंग फैबुलस, लेकिन एंड का डायलॉग है, इस दिन सरदार की हटेगी सबकी फटेगी. आज सरदार की हट गई एंड फैंटास्टिक. ऑब्वियसली पुणे का भाई हूँ मैं तो, हिंदुस्तान का भाई हूँ. डायलॉग मैंने क्विक रिव्यू में बोल दिया आप सभी लोगों के लिए. पूरा मास्क कांच फोड़ रहा है, समोसा है अंदर गाड़ी में, समोसा रखा हुआ है वहां पर. एंड ये सीन फैबुलस. यहाँ पर भाजी मंडी है, निकेतन धीर को एक हाथ में पकड़ कर दाड़ 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 पूरा भाजी मंडी में सलमान खान मारते हुए आके लेके जा रहे हैं. दो तीन पंचेस भी निकेतन धीर को मारे, फैंटास्टिक. किसी के बदन पे कुर्सी फोड़ दी एंड द ट्रेलर एंड्स फैंटास्टिकली. क्रेडिट्स की बात करें तो मांजरेकर साहब, अभिजीत देशपांडे और सिद्धार्थ सालवी यानी सुपर्ब डायलॉग्स लेला है. म्यूजिक ध्यान से सुनो, म्यूजिक बीजीएम साउंड डिजाइन, द फुल म्यूजिक साउंड डिजाइन इज बाय मिस्टर रवि बसरूर. हितेश मोजक का भी संगीत है इस फिल्म में, बहुत सारे गाने दिए हैं. स्टीरियो मिक्सिंग एंड मास्टर्ड बाय किशोर हैदराबाद एंड रवि बसरूर जी, फैंटास्टिक है. एंड साउंड इफेक्ट जो है, साउथ में एक कहावत है यहाँ पर किस तरह से डार्लिंग प्रभास है, तो प्रभास की पिक्चर आई थी डार्लिंग, तो डार्लिंग प्रभास यहाँ पर हो गया. उसके बाद परोटा सूरी, तमिल में एक एक्टर है वो परोटा कोई पिक्चर गया तो परोटा सूरी हो गई यहाँ पर. हाँ, जयम रवि दुनिया विजय है कर्नाटका में, दुनिया पिक्चर करने के बाद दुनिया विजय हो गया. उस तरह साउंड इफेक्ट्स में नंदू जो है, जिसने केजीएफ का साउंड इफेक्ट किया था, वो भी यहाँ पर है, नंदू केजीएफ. तो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके नाम आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर. एडिटिंग में बंटी नेगी, जब फिल्म देखेंगे पता चलेगा. एक्शन विक्रम दहिया, फैंटास्टिक. कॉस्ट्यूम बाय मिस्टर एशली रिवेलो है यहाँ पर. एंड बाकी सारी की सारी चीजें बाय महेश मांजरेकर. वीएफएक्स बाय रीडिफाइन है. फिल्म रिलीजिंग 26 नवंबर 2021. आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा. ब्रेकडाउन पसंद आया तो जितना हो सके लाइक कीजिए. ट्रेलर नहीं देखा है तो एसकेएफ पे जाके ट्रेलर देखिए. साइनिंग ऑफ, प्रोग्रेसिंग वेरी सून. एंड हैंड्स डाउन आज के दिन का सबसे बेस्ट ट्रेलर अंतिम द फाइनल त्रुटि था. दैट्स द फाइनल त्रुटि. स्टे कूल मैन.